था, भागवत कथा है, वृंदावन से पुलटी बाजी हुई है और गुरु जी हैं हमारे मुकेश भारद्वाज जी, वो कथा, ये चौथा कथा हम गला चुके हैं। साधारण नहीं है क्या, अलौकिक है बेटा। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए एक तरफ जो नेता है बिहार के वो अपने अपने राजनीति में है, लेकिन तेज प्रताप यादव जी के आवास पर देखिए माहौल जो है वो पूरा भक्ति में है। यहाँ पर कथा चल रही है, तेज प्रताप जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि जो कथा यहाँ पर चल रही है इनके द्वारा इसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। आपके आवास पर आज कथा चल रही है, क्या कुछ यहाँ पे कथा, भागवत कथा है, वृंदावन से पुलटी बाजी हुई है और गुरु जी हैं हमारे मुकेश भारद्वाज जी, वो कथा, ये चौथा कथा हम करा चुके हैं, पहले भी हमने कथा कराए, ये हमारा चौथा कथा है और सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोगों को इनविटेशन दिया गया, सभी लोगों को न्योता हमने दिया है, सभी पार्टी के लोग और अपने विधायक लोग भी, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, आम जनमानस में जिनको आना है हर एक मानव यहाँ आ सकता है। अभी आप गुरु जी कह रहे थे कि तेज प्रताप जी हर साल सैकड़ों लोग को लेकर वृंदावन जाते हैं, अभी गुरु जी कह रहे थे कि सैकड़ों लोग को लेकर आप वृंदावन जाते हैं। सैकड़ों लोग को लेकर जाते हैं, जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनको हम लेकर के जाते हैं वृंदावन, सारे लोगों को लेकर के जाते हैं। आज तेजस्वी जी की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं हुई। तो देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त तेज प्रताप जी के आवास पर है, पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और उनके उनके आवास पर देखिए कथा का जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जिसमें मुकेश भारद्वाज जी है यहाँ पर कथावाचक के तौर पे आए हैं, कथा सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने जो कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी दल किसी भी व्यक्ति के लिए हमारा दरवाजा खुला है, ये जो कथा हो रहा है ये हर किसी के लिए हो रहा है, सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, आप देखेंगे तो उनका दरवाजा जो है वो आज पूरी तरीके से खुला हुआ है, हर कोई आ रहा है वहाँ पर और कथा का आनंद ले रहा है। तेज प्रताप खुद बढ़कर जो है वो सभी लोगों को इस कथा का हिस्सा होने के लिए आग्रह करते हैं। कई विधायक मंत्री भी इस जगह पे आ रहे हैं, इस वक्त मुकेश रोशन जो विधायक हैं, एक और विधायक हैं, उन सभी की मौजूदगी यहाँ पर है, तो इन सबकी मौजूदगी है और लगातार जो है अब भीड़ भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो कोई बीजेपी का हो, जदयू का हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, उसके लिए आज का दरवाजा हमारा खुला है। लोग कहते हैं एक क्षत्र सम्राट हूँ पूरे भारतवर्ष का मैं, आप मुझे कुछ तो सेवा बताओ। तो स्वामी जी समझ गए अगर आप कुछ आज्ञा करें तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी श्रद्धा है आप, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो नेत्र खोल करके श्री स्वामी स्वामी जी महाराज ने जब देख, बोले मुझे दरकार है तुम्हारे पैसे की, लेकिन इनको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, ये गाते हैं तो केवल उनके लिए परमात्मा की गाते हैं। तब उस समय चरणों में आकर के, उस समय साधारण नहीं है, प्यारे अलौकिक है बेटा। प्रेम से बोलो राधे राधे।